तो हेलो गाइस, जो अभी जो हमारे जो बैच स्टार्ट होने वाली है सितंबर मंथ की, उसी के बारे में कुछ अपडेट देने वाला हूँ मैं आपको, जो हमारी बैच स्टार्ट होने वाले, ठीक है। तो देखिए, सितंबर बैच में जो एडमिशन होने वाले हैं वो ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा हो गए हैं। बाकी किसी को कॉल करना है तो कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, पहले तो वीडियो फुल देख लीजिए। देखिए कहाँ कहाँ से एडमिशन हुए हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ से आना चाहते हैं, वो कंफ्यूज है कि हमारे यहाँ से कोई जा रहा है कि नहीं, हम बहुत दूर से हैं। तो मैं आपको ये बात क्लियर करने के लिए भी वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। अभी तो बाकी है, क्योंकि ये तो अगस्त चल रहा है, सितंबर, ये वीडियो शायद अगस्त में ही अपलोड हो जाएंगी। सितंबर में स्टार्ट होने वाला है इसका एडमिशन। देखिए आप रुके रहेंगे तो आप रुक जाएंगे, ठीक है। आप सोचेंगे कि जैसे तारीख नजदीक आएंगे मैं एडमिशन कर रहा हूँ, तो आप गलत हो। मेरे पास इतने स्टूडेंट का कॉल आता है, इतने स्टूडेंट का कॉल आता है कि मैं उठा नहीं पाता हूँ, ठीक है। मेरा मेरे मोबाइल बंद करके रख देता हूँ, ठीक है। कोई कोई जो करते होगे उनको अभी देख रहे होगे तो बोल रहे होगे, हाँ सर का फोन तो बंद आता है, सर का फोन तो स्विच ऑफ आता है, ये जानबूझ के किया जाता है। जानबूझ के नहीं है भैया। देखिए आप सोचिए, एक दिन में 20-25 कॉल आ रहे होगे, 10-15 कॉल आ रहे होगे, तो कितना उठाएगी, कितना बात करेगा। और मैं खुद बात करता हूँ, क्योंकि मैं कोई बंदे को दूंगा बात करने के लिए तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं बात करता हूँ तो मेरा आवाज सुन के आपको अच्छा लगता है कि सर ही बात करे, तो मजबूरन मुझे बात करना पड़ता है। अगर मेरे साथ कोई बंदा भी, मैं उसको बोलने भी लगा हूँ, अभी भी मेरी तबीयत बराबर नहीं, तब भी मैं ही बात कर रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए बना रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए, देखिए कहाँ कहाँ से आया मैं आपको बता दूं। देखिए पहला है सोलापुर, फिर मुंबई, आपको मैं बोलता हूँ मुंबई, मानोरा, बुल्डाना, छिवारा, तुली, चंदनपुर, नहीं क्या है, चंदपुर, और क्या है, रुक जाओ, सिंदखेड़ा, फिर गाजियाबाद। डायरेक्ट मैं स्टेट का नाम बोल देता हूँ। देखिए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से चार है, फिर से एमपी, तेलंगाना, महाराष्ट्र से बहुत ज्यादा, यूपी है, राजस्थान है, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात, फिर बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, नेपाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूके, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, फिर से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, एमपी, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है। बाकी मैं आपको, आप कॉल में पूरी डिटेल भेज दूंगा, कॉल करेंगे तो आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। बाकी देखिए इस वाली जो बैच स्टार्ट होने वाली है जो सितंबर की, उसमें फीस होने वाली है ओनली जेंट्स का 30,000, लेडीज जेंट्स का 40,000। तो मैं आपके बता दूं, देखिए आप सोचेंगे जो जो पहले कॉल किए थे, जिनका पहले मैंने कैंसिल करवाया था, क्योंकि इतने ज्यादा स्टूडेंट नहीं ले सकता मैं, आपको ध्यान से सुन लीजिए, आपको मैं बता दूं। आप बोलेंगे सर फीस बढ़ गई है, तो मैं आपको बता दूं, पहले 20,000 थी, उसके बाद 30,000 थी, 20,000 30,000 थी, मैं आपको बता दूं। अच्छा आप कोई कंपनी में जॉब पे जाते हो तो कंपनी रहने के लिए देती है क्या आपको, कंपनी खाने के लिए देती है क्या? चलो हम भी नहीं खाने के देते, आप ही खाने का भरते हो। लेकिन आप एक बात सोचिए, अगर आप कहीं पे जाते हो, कोई भी सिटी में जाते हो कहीं पे भी, तो 3,000 से ज्यादा तो बिल भाड़ा होगा ना आपका रहने का, होता है या नहीं, होता है ना। फिर आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको रहने के लिए तो पैसा देना पड़ेगा ना भैया, रहने के लिए भी देना पड़ेगा, प्लस बहुत सारी चीजें जैसे मेंटेनेंस, पानी, लाइट बिल, ये वो कौन देखता है। तो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ ना, अगर आप 3 महीने रह रहे हो, महीने का 3,000 भी भाड़ा होगा कहीं पे, तो भैया 3 महीने रह रहे हो तो 9,000 तो वो भाड़े में जा रहा है आपका, तो वो तो मैं फ्री में करके दे रहा हूँ ना। तो कॉस्ट कितने में पड़ा, जो 30,000 का, तो 20,000 में पड़ गया ना, और ऊपर से आपका रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ वो अलग, सबसे इम्पोर्टेंट। और आपको एक चीज बता दूं, हर सर्विस 1,000 रुपए में पड़ रही, तो आप हेयर कट तो 8-10 प्रकार के सीखने वाले हैं ना, तो एक ही हेयर कट तो आप कितने में सीख रहे हो, 100 रुपए में सीख रहे हो फिर तो, क्योंकि 8-10 प्रकार के हेयर कट आएगा, उसका कम एक ही कंसेप्ट लिया है हमने। अच्छा फेशियल, डिटेन, ब्लीच, फेशियल, ये सारी चीजें आती है। तो भैया मुझे एक बात बताइए, 20,000 में आपका हो रहा है, 30,000 में भी हो रहा है, तो आप फेशियल का एक कस्टमर भी कर लेते हो ना, तब भी आपका पैसा वसूल हो जाता है। मैं लास्ट वाले वीडियो में भी बताया, फिर से अभी मैं फिर से बता दूं आपको, ये सारे एडमिशन हुए हैं वो कंफर्म हो चुके हैं, ये 25 सितंबर को आने वाले, कोई कोई ने तो रेलवे का वो टिकट भी डाल दिया है। बाकी किसी को कॉल करना है तो मुझे जल्दी कांटेक्ट करें, अभी तक फुल नहीं हुआ है, आप चाहो तो अभी भी कॉल कर सकते हो, अभी भी कांटेक्ट करें, अभी भी मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी कोई कोई के कॉल नहीं रिसीव कर पाता तो मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि भैया देखिए बहुत सारे कॉल होते हैं और मैं उठा नहीं पाता, प्लस ऊपर से क्लासेस होती है, क्लासेस चालू होती है, तो मैं क्लास में ना कॉल नहीं रिसीव कर सकता, इसके लिए माफी चाहता हूँ। बाकी आप मैसेज कर सकते हो, मैसेज का रिप्लाई करूंगा मैं। बाकी ये जो बैच स्टार्ट होने वाली है हमारी सितंबर में, वो स्टार्ट हो जाएगी अभी 25 तारीख को, ये वाली जो बैच चल रही है ये भी फुल चल रही है, ठीक है। ये 15 सितंबर को खत्म हो जाएंगी, मैं ज्यादा ब्रेक भी नहीं लेता हूँ, 10 दिन का ब्रेक है, उसके बाद मेरे सलून का भी उद्घाटन का
काम आने वाला है अभी, क्योंकि बहुत बड़ा सलून भी ओपन कर रहा हूँ। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा, आप आते हो सीखने के लिए, सीखने के बाद प्लस हमारे पास भी जॉब कर सकते हो, प्लस खुद का भी डाल सकते हो, और खुद का डालते हो और बिजनेस बढ़ाने तो हमारे पास से स्टाफ भी ले सकते हो। जैसे आप जहां से आ रहे हो वहां का स्टाफ आपको मिलेगा सेम टू सेम आपकी तरह, प्लस किसी और के पास काम पे लगवाना है तो वो भी हम करवा देते हैं भैया, जितना हमसे होता है उतना हम करते हैं, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, आपको लगता है फीस बढ़ गई तो आप कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि मेरे से सस्ता कोई होगा, आप चाहो तो सर्च कर लीजिए। कोई कोई मुझे कॉल करता है वो डायरेक्ट बोलते हैं, सर हमने जावेद अभी में बहुत बड़े ब्रांड में जाके पूछा है तो लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए बोले, तो अगर आपको परवड़ता है वहां पर तो वहां पर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको जबरदस्ती तो बोल नहीं रहा हूँ कि आप मेरे पास ही आए, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना, प्रैक्टिकली भी और इंसान कैसा है सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपको लगता है कि वो बंदा हमें बना पाएगा तो ही जाइए आप। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए परिस्थिति, जो बंदा जीरो से ऊपर आया है ना उसको सारी परिस्थितियां पता है कि बंदे में क्या है। अगर मैं जीरो से ऊपर आया हूँ ना तो मुझे पता है इसकी परिस्थिति क्या हो सकती है, इसने कहाँ से पैसे लाया होगा, इसके मम्मी पापा ने कितना पैसा दिया और कैसे करके दिया होगा, ये मुझे पता है, हर किसी को पता नहीं। बहुत बड़ा ब्रांड में जाते हो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़े ब्रांड में जाके सीखिए, उन्हें आपकी परिस्थिति का कोई मतलब ही नहीं है। आप 2-3 घंटे की क्लास अटेंड करो, आप कहीं पे भी जाओ और कभी भी आओ, मुझे नहीं पता, लेकिन 2 घंटे क्लास अटेंड करनी है, ऐसा उनका होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, मैं रेगुलर साथ में होता हूँ, मैं रात को भी एकेडमी में राउंड मारता हूँ, रात को भी प्रैक्टिस करवाता हूँ। क्यों? आपके लिए, आपके लिए कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा भैया। ऐसा कोई एकेडमी का ओनर नहीं करेगा। अगर आप कोई बड़ी एकेडमी में कोर्स करने जाते हो, आपको एक चीज बता दूं, वहां का जो एक स्टाफ होगा ना वही आपको सिखाएगा, प्लस हफ्ते में एक बार जो मेन है, जैसे कि अभी मैं मेन हूँ, मैं एकेडमी का ओनर हूँ तो मैं हफ्ते में एक ही बार आऊंगा, ठीक है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ऐसा होता है वहां पर। यहाँ पर ऐसा नहीं है, मैं आपके साथ ही रहता हूँ, कोई बंदे को कुछ सौंपता नहीं कि तू ये वो देखना, सिर्फ पानी का सौंपता हूँ कि इनका पानी इनको क्या लग रहा है वो देखो, बस वही चीज मेरा एक लड़का देखता है, नहीं तो बाकी कुछ भी नहीं। मैं खुद संभालता हूँ, मैं खुद उनके साथ रहता हूँ, खुद रोज के रोज डाउट क्लियर करते हैं और डाउट पूछ के क्लियर करे जाते हैं। बाकी इससे अच्छा तो मुझे नहीं लगता कि कोई एकेडमी आपको देगी। और प्लस मुझे मेरे टैलेंट पे नहीं इतना भरोसा है, नहीं कि खुद पे भी नहीं, मुझे मेरे टैलेंट पे बहुत भरोसा है मुझे, कि मेरा टैलेंट ऐसा है नहीं कि 3 महीने में सिखाऊंगा, मतलब सिखाऊंगा तो भले कुछ भी हो जाए। मुझे ना सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना गाइस, मुझे एक हाथ में पैसा भी कमाना है, एक हाथ में दुआ भी कमानी है। पैसा बहुत सारा कमा लिया और अचानक से मर गया तो क्या होगा, वो पैसे को क्या खाएंगे, क्या क्या लेके आए थे, हम कुछ नहीं लेके जा रहे हैं। तो इसको यहाँ एंजॉय करना है तो हमें ज्यादा जीना पड़ेगा, और ज्यादा जीना है तो भैया दुआ कमानी पड़ेगी। तो अगर मेरे वजह से आपकी लाइफ में कुछ उन्नति होती है, कुछ अच्छा होता है, तो मुझे दुआ भी मिलेगी, प्लस पैसा तो आएगा ही, पैसा तो बहुत आता। पैसा कमाने के लिए ना, पैसा कमाया नहीं जाता, पैसा बनाया जाता। तो पैसा बनाने के लिए स्किल चाहिए, जो कि मेरे अंदर है, और मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं लाखों करोड़ों में भी कमाऊं, ठीक है। तो आपके अंदर काबिलियत है तो आ जाइए, थोड़ी सी दिखा दीजिए हमें आपकी काबिलियत की क्या है, और दिखा दीजिए कि आपका पावर क्या है और आपके मोटिवेशन कितना है, क्या है आपकी परिस्थिति, आप भी बन जाएंगे। और आप मुझे पहले से देख रहे हो, मेरे लास्ट वाले वीडियो देख लो, मैंने डिलीट भी नहीं किए, क्यों? क्योंकि मुझे दिखाना है लोगों को कि मैंने कहां से शुरुआत की थी और कहां जा रहा हूं और कहां तक जाऊंगा, ऐसा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी किसी को कॉल करें तो मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी मेरे बोलने से किसी को बुरा लगा तो माफ कर दीजिए मुझे, क्योंकि मैं वीडियोस के थ्रू सही गलत बोल रहा हूँ, ना कि किसी को बुरा बड़ा बोल रहा हूँ। मैं किसी को ट्रोल भी नहीं कर रहा हूँ, ना ही बड़ी एकेडमी, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि मैं भी जाता था, ठीक है, इसके लिए मैं उनको ट्रोल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जैसी परिस्थितियाँ झेली शायद आप ना झेल पाओ, इसके लिए मैं आपको सही गाइड कर रहा हूँ। बाकी आपको कॉल करना तो आइए, नहीं तो आप 2 साल बाद भी वीडियो देख रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप कॉल कीजिए। कितना कभी भी वीडियो देख रहे हो आप तब भी कॉल कीजिए, रेगुलर जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक एकेडमी चलती रहने वाली, एकेडमी पे आँच नहीं आएंगी, क्योंकि मेरा टैलेंट ही वैसा है तो आँच आने नहीं दूंगा मैं, ठीक है। और आप सभी लोगों का प्यार है। बाकी धन्यवाद, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।